नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला एन बी फोर्ट जो नाम केयर कंपनी की ओर से जो बनाई जाती है एक टैबलेट्स है, जो मल्टी विटामिन कह दीजिए और शक्ति की एक एनर्जी की टैबलेट कह दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो डायबिटीज़ पेशेंट है उसके लिए खास बनाई जाती है एक एनर्जी के लिए। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप दोस्तों, ये नाम केयर कंपनी की ओर से बनाई जाती है, जिसकी एमआरपी देखें तो दोस्तों 130 रुपये, लेकिन एक जेनरिक डिवीज़न में आती है तो जेनरिक स्टोर पर आपको ये 50-60 रुपये के आसपास मिल जाएगी आराम से 10 टेबलेट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके कंटेंट की अगर बात करें तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले मिथाइल कोबालमिन यानी कि विटामिन B12। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि विटामिन B12 जो हमारे शरीर के लिए जो बढ़ती उम्र के लिए खास जरूरी होता है, जो प्रकार का एनर्जी बूस्ट कहते हैं, जो एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए खास दिया जाता है। उसके साथ में दोस्तों जो एनेमिक पेशेंट होते हैं, जो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उसको भी ये दिया जाता है उसके सिंथेसिस के लिए आयरन की। इसके अलावा दोस्तों ब्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, सेल मल्टीप्लेक्शन के लिए यानी कि सेल ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा होता है विटामिन B12। उसके अलावा भी दोस्तों विटामिन B12 की बात करें तो जिसकी डेफिशिएंसी अगर हो तो भूख कम लगती है, थकान, चक्कर, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, मसल वीकनेस होते हैं और आँखों में यानी कि विजन में भी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है। और जो विटामिन B12 है वो उम्र के साथ यानी कि जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे 50-60 के आसपास, तो जो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन शरीर में होना चाहिए यानी कि जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो इसके कारण डेफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों हमें पता है कि एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन न होना इनके कारण, इसके पीछे भी कुछ जो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसका सेक्रेशन उम्र के साथ कम हो जाता है, जिनके कारण इसका सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिनके कारण इसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है। इस प्रकार से विटामिन B12 की इसके अंदर दिया गया यानी कि 1500 mcg यानी कि एक बूस्टर डोज कह सकती है दिन को, 1500 mcg यानी कि एक दिन को एक ही टेबलेट ले सकते हैं, इस प्रकार का इसका बूस्टर डोज होता है। उसके बाद में दोस्तों अल्फा लिपोइक एसिड इसके अंदर मिलाया गया है, जिसे हम शॉर्ट में LALB कहा जाता है। और दोस्तों अल्फा लिपोइक एसिड की अगर बात करें तो दोस्तों एक प्रकार का ये प्रोडक्ट जो शरीर के अंदर ही बनता है, नेचुरली बनता है इसके शरीर में अंदर, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर इसको सही तरह से न बने, उम्र के साथ भी नहीं बनता है, तो इसको सप्लीमेंट के रूप में अलग से लेना पड़ता है। और दोस्तों इसके जो मेन इसका जो फंक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों जो जो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं इसके अंदर जो खास करके जो शुगर को ये कंट्रोल खास करता है, शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है, इस प्रकार से इसका काफ़ी काम है। उसके साथ में विटामिन का सिंथेसिस के लिए भी काम करता है, यानी कि यह भी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जो खास करके देखें तो डायबिटीज़ 2 टाइप के जो होते हैं पेशेंट, उसी के लिए काम करता है। उसके बाद में दोस्तों थायमिन इसके अंदर दिया गया यानी कि विटामिन B1, समझ लीजिए विटामिन B1 यानी कि मिथाइल कोबालमिन में विटामिन B12 है, तो दोस्तों विटामिन B1 या फिर बी कॉम्प्लेक्स की सब जरूरियात सेम ही होती है, कुछ डिफरेंस होता है। जैसे विटामिन B1 है तो एक प्रकार का उसकी डेफिशिएंसी होती है तो बेरी नाम का जो रोग जो डिजीज़ होता है, साथ में दोस्तों हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है विटामिन B1। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पायरीडॉक्सिन देख सकते हैं यानी कि विटामिन B6 जिसे कहा जाता है, और दोस्तों विटामिन B6 जो एक पायरीडॉक्सिन स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में दोस्तों अक्सर देखा है कि जो मुँह में जो छाले पड़ जाते हैं तो पायरीडॉक्सिन फॉलिक एसिड दोनों ही काम करते हैं उसके अंदर जो छाले पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों का आयरन डेफिशिएंसी के लिए भी फॉलिक एसिड जरूरी है। उसके बाद सेल ग्रोथ के लिए भी, बोन के लिए भी, या फिर डिप्रेशन के पेशेंट उसके लिए भी फॉलिक एसिड की अगर कमी हो तो भी प्रॉब्लम होती है। तो फॉलिक एसिड, पायरीडॉक्सिन ये सब इन्ग्रीडियंट जो काफ़ी उम्र के साथ साथ बहुत जरूरत होती है शरीर के लिए, तो ये काफ़ी एक कंपोजिशन कह सकते हैं बेटर है एज जो डायबिटीज़ पेशेंट और जो एजड पेशेंट होते हैं उसके लिए। तो ऑल ओवर देखें तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टेबलेट मान लीजिए जो डायबिटीज़ पेशेंट है, एजड पेशेंट है। इसका अगर डोज की बात करें तो दोस्तों ये दिन में दोपहर को आप ले सकते हैं या फिर रात को भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद दूध के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खाना खाने के बाद लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, तो दोस्तों इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगी क्योंकि सब विटामिन ये समझ लीजिए इसके अंदर सब दिए गए हैं। तो सिर्फ जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो दोस्तों कोई रूटीन तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको जो पेशाब जाएगा, यूरिन आएगा, वो येलोविश यानी कि एक प्रकार का पीला पेशाब आएगा फॉलिक एसिड या विटामिन B12 के कारण। इसके अलावा कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करता वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है N-B4 टैबलेट के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके
और हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।